नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिधि बहल। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, एस्ट्रोलॉजिकली इस दिन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इस दिन जो है वर्ल्ड हॉरोस्कोप्स पढ़ी जाती है। हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से इस दिन जो है ब्रह्मा जी ने दुनिया की रचना करनी शुरू की थी। इस दिन की जो प्लैनेटरी पोजीशन होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। उससे जो है हम साल भर के जो ट्रेंड्स होते हैं, साल भर जो पॉलिटिकली सोशली दुनिया भर में क्या चेंजेस होंगे, किस तरह से जो साल बीतेगा, इसके बारे में जो है हम प्रिडिक्शन करते हैं। इस दिन जो है नया पंचांग भी इन्फोर्स होता है। जो पंचांग जो हिंदू कैलेंडर है उसकी शुरुआत जो है वो चैत्र प्रतिपदा वाले दिन से ही होती है। हमारे माइथोलॉजी के हिसाब से 60 संवत्सर होते हैं। नया संवत्सर भी प्रतिपदा वाले दिन ही शुरुआत होती है उसकी भी। पिछले साल जो संवत्सर था उसका नाम था विकारी, इस साल जो संवत्सर शुरू हुआ है उसका नाम है शरावरी। जो हमारे ऋषियों ने संवत्सरों को जो नाम दिया है, इन नामों में जो है क्लूज हैं, हिंट्स हैं कि जो साल है वो किस तरह का बीतेगा। अब जो 2019 में जो चैत्र प्रतिपदा थी तब जो संवत्सर था, जैसे मैंने आपको बताया विकारी था, उस दिन जो है सैटर्न और केतु का जो कंजंक्शन था, जुपिटर जो थे वो गंडांत में थे, तो पोजीशन जो थी वो कोई बहुत अच्छी नहीं थी। तो साल शुरू तो ठीक हुआ पर जो साल का एंड था वो अच्छा नहीं हुआ। और जैसा मैंने आपसे कहा कि इस दिन जो है वर्ल्ड हॉरोस्कोप्स पढ़ी जाती हैं, तो ये जो प्लैनेटरी पोजीशन है ये पूरी दुनिया में प्लैनेटरी पोजीशन यही था। अब ये साल जो मैंने आपसे कहा शरावरी, शरावरी मींस ट्विलाइट, मींस अंधेरे के बाद हल्की हल्की रोशनी, ये जो साल है ये ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। अब जो ये क्राइसिस हो रहा है इसको जो है हम अंधकार से कंपेयर कर सकते हैं। और धीरे धीरे जैसे ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद चेंजेस आते हैं, तो वो चेंजेस जो है वो पॉजिटिव चेंजेस होंगे, वो जो है एक रे ऑफ होप होगी, एक उजाला, एक नया उजाला लेके आएगा। तो हम शरावरी को इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अबाउट डिफरेंट कंट्रीज की, अलग अलग कंट्रीज में जो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वाले दिन जो प्लैनेटरी पोजिशन थी उसका क्या इम्पैक्ट होगा। सो लेट अस स्टार्ट विद इंडिया। इंडिया में जो है उस दिन लग्न जो राइजिंग था वो था कैंसर लग्न, कर्क लग्न। शनि और मंगल जो है वो सातवें घर में थे। दोनों जो है मिलकर पंच महापुरुष योग, दो पंच महापुरुष योग बना रहे थे। शनि अपनी ही राशि में थे तो वो सश योग बना रहे थे, और मंगल उच्च के थे तो वो रुचक योग बना रहे थे। और क्योंकि ये सातवें घर में थे तो इससे जो है काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री पे, आईटी इंडस्ट्री पे, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री पे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे। ये इंडस्ट्रीज जो हैं इस साल जो है अच्छा फ्लरिश करेंगी। ऑल्सो ये जो योग बन रहा है ये शुभ कत्री में है। एक साइड पे जुपिटर है, एक साइड पे मरकरी है। मरकरी जो है वो आठवें घर में है। मरकरी के लिए स्पेसिफिकली आठवां घर जो है वो बुरी पोजिशन नहीं है। आठवां घर जो है वो रिप्रेजेंट करता है रिसर्चर्स को। आठवां घर जो है वो हिडन नॉलेज का भी घर होता है। आठवां घर जो है सडननेस का भी घर होता है। तो इस साल जो है रिसर्चर्स पे पैसा खर्च किया जाएगा। हो सकता है हमारी कोई एंशियंट नॉलेज जो है वो हेल्प करे हमें टू ओवरकम दिस क्राइसिस। सूर्य जो है वो नाइन्थ हाउस में है। नाइन्थ हाउस जो है और चंद्रमा के साथ हैं। प्रतिपदा वाले दिन सूर्य और चंद्रमा साथ ही होते हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है लग्न के स्वामी है। चंद्रमा का नाइन्थ हाउस में होना इज अ पॉजिटिव थिंग, इट इज अ पॉजिटिव इंडिकेशन। सो ओवरऑल इफ आई सम अप दिस होल थिंग, तो धीरे धीरे जैसे जैसे साल प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे हम जो है पॉजिटिव चेंजेस और पॉजिटिव चीजें एक्सपीरियंस करेंगे। टॉकिंग अबाउट चाइना, चाइना के लिए जो लग्न राइजिंग है वो लियो है। देखिए सूर्य उदय से हर कंट्री का जो सनराइज का टाइम है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट टाइम जोन्स हैं, तो इसलिए जो है लग्न राइजिंग हर कंट्री में डिफरेंट होगा। तो चाइना में जो प्रतिपदा वाले दिन जो लग्न राइजिंग था वो लियो लग्न था। और लॉर्ड ऑफ द ईयर, ये जो ज्योतिष लोग कर रहे हैं या ज्योतिष की जानकारी रखते हैं वो समझ सकेंगे शायद इसको, कि लॉर्ड ऑफ द ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस दिन प्रतिपदा वाले दिन जो वार होता है उसका जो स्वामी होता है वो लॉर्ड ऑफ द ईयर होता है। तो चाइना के लिए और इंडिया के लिए दोनों के लिए जो लॉर्ड ऑफ द ईयर है वो मरकरी है। और लॉर्ड ऑफ द ईयर की पोजिशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम कंट्री की हॉरोस्कोप एनालाइज करते हैं कि साल के प्रिडिक्शन के लिए।
तो चाइना के लिए जो लॉर्ड ऑफ द ईयर है वो बुध है. बुध जो है सातवें घर में है और वो पाप कतरी में आ गया है. सूर्य जो है लग्ना लॉर्ड होके आठवें घर में है. सूर्य के लिए आठवें घर की पोजिशन कोई बहुत अच्छी पोजिशन नहीं है. तो क्या होगा चाइना में, एक तो इंटरनल कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन को लेके जो है प्रॉब्लम हो सकती है. ऑल्सो जैसे मैंने कहा मरकरी जो है वो पापकत्री में है एंड मरकरी इज द प्लैनेट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री. तो इकोनॉमिकली जो इकोनॉमिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो वो ये साल चाइना के लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा जितना कि पिछले कुछ साल रहे हैं. बट द गुड थिंग इज जुपिटर क्योंकि फिफ्थ हाउस में बैठा है और फिफ्थ हाउस से बैठ के लग्न को देख रहा है, सो दिस विल एड पॉजिटिवली. कुछ ऐसे सेंसिबल डिसीजंस लिए जाएंगे जिसके कारण कि इट विल हेल्प चाइना टू ओवरकम द क्राइसिस इन अ इजी एंड अ बेटर मैनर. टॉकिंग अबाउट यूएसए, यूएसए में प्रतिपदा एक दिन पहले पड़ी थी. जैसे मैंने कहा टाइम जोन अलग अलग होता है तो एक दिन पहले हुई थी और यूएसए के लिए जो है लॉर्ड ऑफ द ईयर वॉज मार्स क्योंकि प्रतिपदा ट्यूसडे को हुई थी. और यूएसए में जो राइजिंग लग्न था प्रतिपदा वाले दिन वो एक्वेरियस था. तो सैटर्न और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है वो उनके ट्वेल्थ हाउस में पड़ रहा है, बारहवें घर में पड़ रहा है जो कि एक्सपेंडिचर का घर है, लॉस का घर है. ऑल्सो लग्न जो है वो पापकत्री में आ गया है क्योंकि एक तरफ शनि और मंगल है और दूसरी तरफ सूर्य है. एज अ रिजल्ट क्या हो रहा है, जो गवर्नमेंट है वो स्टक हो गई है एंड गवर्नमेंट इज एक्टिंग लिटिल रिजिड ऑल्सो. वो दे आर नॉट वेरी ओपन टू टेकिंग गुड डिसीजंस एंड टेकिंग सजेशंस. सो यूएसए को जो है थोड़े से अपनी रिजिडिटी कम करनी पड़ेगी, करनी चाहिए, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए. मे बी उनको जो है नेबर्स से हेल्प लेने की जरूरत पड़े विच विल बी बेनिफिशियल फॉर देम. ऑल्सो जैसे मैंने कहा कि लॉर्ड ऑफ द ईयर मार्स जो है वो एक्सपेंडिचर और लॉस के घर में है तो एक्सपेंडिचर जो है कंट्री का बढ़ेगा. ऑल्सो जॉब्स में और इकोनॉमिक मार्केट में लॉस वाली सिचुएशन रहेगी. बट धीरे धीरे स्लोली स्लोली जैसे जैसे साल आगे बढ़ेगा सिचुएशन बेटर होगी. बट कमिंग टू थ्री मंथ्स आर नॉट वेरी गुड फॉर यूएसए बट उसके बाद सिचुएशन काबू में आएगी, कंट्रोल में आएगी. सो फ्रेंड्स दिस वॉज माई एनालिसिस ऑफ चैत्र शुक्ल प्रतिपदा. मैंने सिंपल वर्ड्स में इसको सम अप करके आप सबको समझाने की कोशिश की है, खास करके उन लोगों को जिनको ज्योतिष की डीप नॉलेज शायद नहीं है तो उन लोगों को भी समझ में आए. हालांकि एनालिसिस तो बहुत बड़ा था और बहुत टेक्निकल भी था. सो आई होप यू गेन आउट ऑफ इट. डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल सो दैट वी कैन डिस्कस मोर स्टफ ऑन एस्ट्रोलॉजी लाइक दिस.